नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स, जहां पे हम हर दिन रात को 8:30 बजे दिन भर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, मिनिस्ट्री वेबसाइट्स, इन जगहों से करंट अफेयर्स लेते हैं और उनको एक डॉक्यूमेंट में डालते हैं जिसका नाम है सार। सार का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारे ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए MPPS के फुल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आया है, जिसके बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है 23 अगस्त 2022 और आज है ट्यूसडे। लेकिन हम सब जानते हैं कि संडे को यह लेक्चर नहीं होता है। संडे को लेक्चर ना होने की वजह से संडे की न्यूज मंडे और ट्यूसडे को आती है, इसलिए ट्यूसडे को थोड़ी ज्यादा न्यूज पढ़नी पड़ती है हमें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के न्यूज स्टार्ट करते हैं। और आज की सबसे पहली खबर है कि अमेरिका में एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम बेसिकली काम क्या है कि जो एशियन कंट्रीज हैं इनके लोगों को अमेरिका की पॉलिटिक्स में ऊपरी पोजीशन पे लेके जाना है ग्रोथ, ठीक है। तो ये कौन चला रहा है? इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूएस की पॉलिटिक्स में एशियन लोगों का दबदबा बढ़े इसके लिए एक कैंपेन चला रही है। ये आप बेसिकली पेपर टू में लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर टू के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रिलेशंस की बात करें कंट्रीज के साथ तो ये अच्छा पॉइंट है। अगर आपको सोसाइटी की बात आती है तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर इकोनॉमी की बात आती है, अगर ये चीजें हो रही हैं तो एशियन कंट्री और यूएस की कंट्री में व्यवहार बढ़ेंगे तो ट्रेड बढ़ेगा। व्यवहार से ही व्यापार आता है। तो इसी वजह से ये दो कंट्रीज के बीच, साउथ एशियन दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन को ये चीजें इंप्रूव करती हैं। और आप ये इकोनॉमी में भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे किया जाए, रिलेशंस कैसे सुधारें, तो आप ये एग्जांपल बखूबी दे सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बताऊंगा, पहली बार यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहली बार जब कोई इंडियन महिला गई थी वो कब हुआ था? वो हुआ था 2016 में, ठीक है। प्रमिला जयपाल वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वॉज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कहीं गायब हो गया ये, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस लिख दो, ठीक है। तो ये चीज आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ये मेंस के लिए जरूरी है। अगली चीज आती है, एक इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी न्यूज है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक पे बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पे निर्भर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ेगा और अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ा और ये ठीक से मैनेज नहीं हो पाया तो ये कैंसर, DNA ट्रीटमेंट्स और ना जाने कितनी नर्वस डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ई वेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत सॉलिड टॉपिक है। आप मेंस में अगर ऐसे आ रहा है, आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको ये चीज यूज करनी है, ऐसे एग्जांपल्स यूज करनी है। और ई वेस्ट पे मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको मेंस में जरूर मिलेगा आने वाले 2 से 3 सालों में। अब अगर आपको मेंस में ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको फैक्ट्स रटे होने चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है वो या तो प्रिलिम्स के लिए फैक्ट का काम करती है या तो मेंस के लिए एग्जाम्पल का काम करती है। मेंस के क्वेश्चन लिखते समय आपको करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखने की जरूरत होती है, तब आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। वरना एक किताबी किताब के आप 5 पॉइंट लिख दोगे ना, 5 में से आपको 2.5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा पॉइंट लिख रहे हो जो बाकी लोग नहीं लिख रहे, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपकी सोच को बताता है कि आपकी सोच कितनी बेहतरीन है, आपको 3 या 3.5 नंबर मिल सकते हैं। यहां पर आधा आधा नंबर लेना है तब आपकी रैंक आएगी। 2.5 नंबर में हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन रैंक ये चीजें करने से आती है, ठीक है। तो ई वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, हर इंसान ने इस साल 7.5 किलो ई वेस्ट जनरेट किया है और अगर पूरे लोगों का ई वेस्ट ले लें तो 57.4 मिलियन टन
ई वेस्ट जनरेट हुआ है। ये एक सॉलिड फैक्ट है, कोई भी आंसर शुरू करने के लिए डिजास्टर से रिलेटेड हो, ठीक है, ई वेस्ट से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, स्कीम से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक स्कीम से रिलेटेड हो, ये एक ब्रिलियंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट एक कॉपी में लिख के रखा करो, ठीक है। तो अब मेन चीज यही है कि जब हम इतना बना रहे हैं, इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो इतना रिसाइकल भी करना चाहिए। लेकिन हमने रिसाइकल कितना किया 2019-20 में 2.22 लाख टन और बनाया कितना है 57.4 मिलियन टन्स। ये है डिफरेंस, ये है भारत का डेवलपमेंट से डिफरेंस, ठीक है। एक ये चीज है, बाकी तो आप पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो एवरी पर्सन इन इंडिया इज जनरेटिंग 2.4 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और अगर आप इसको 135 या 140 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने करोड़ केजी, कितने करोड़ केजी हम ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आपको सिर्फ 140 करोड़ से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर बात आते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पर है, इंडिया कौन से नंबर पे है ई वेस्ट जनरेशन में, तो हम थर्ड नंबर पर हैं, हम थर्ड नंबर पर हैं, ठीक है। सबसे आगे है अमेरिका, अमेरिका के बाद है चाइना, और चाइना के बाद आ जाता है इंडिया, ठीक है। हम इतनी जॉब्स नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ना इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई अगर हम ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा पैसे भी कमाए भाई, अब जब गलत काम कर ही रहे हो तो पैसे भी कमा लो। तो हम ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना जॉब दे रहे, तो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। आपको पता है वर्क फ्रॉम होम में जो भी चीजें ऑर्डर की गई हैं, 80% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऑर्डर की गई हैं, जिसमें से 30% चीजें किसी काम की नहीं है आने वाले एक साल में। ये है रिडंडेंट, या फिर आप बोल सकते हो ये है फालतू का ई वेस्ट। आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। आई होप ई वेस्ट के बारे में मैंने काफी चीजें बता दी है। अगले आर्टिकल की तरफ ये देख लेना बस कि क्या क्या डिजीज होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको ऐसे के लिए और जानना हो तो 12% ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन ई वेस्ट इन इंडिया ये जनरेट होता है। और अगर ई वेस्ट रिसाइकलिंग की बात की जाए तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। कभी भी आंसर लिखो ना तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव स्टेप जरूर लिखना। पॉजिटिव स्टेप क्या कहता है, वी आर स्टिल एबल टू रिसाइकल ओनली 20% ऑफ द टोटल ई वेस्ट। Currently there are 2759 e-waste collection centers in the country, only 468 have recycling facilities, but हम तीन गुना facilities करने वाले हैं upcoming 3 years में। ये है best points, ये है positive points। और अगर e-waste का division की बात की जाए, e-waste के division की बात की जाए तो सबसे ज्यादा e-waste computer से generate होता है, फिर mobile से generate होता है। आपसे पूछा जाएगा ना, आपको लगेगा यार मोबाइल फोन बहुत ज्यादा है कंप्यूटर से, तो मोबाइल से होना चाहिए, लेकिन ये जवाब गलत है। ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है वैसे कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन जनरेट मोर ई वेस्ट देन कंप्यूटर, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, कंप्यूटर ज्यादा करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेडिकल और चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी भी हो गया। ये मुझे लगता है कि 11 नंबर आप अच्छे से लिख सकते हो ई वेस्ट पे। अगली न्यूज आ रही है मेडिकल की दुनिया से। तो मेडिकल, मेडिकल में क्या माना जाता है, आपने बहुत कठिन एग्जाम निकाला और आपने मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री ले ली, आप दिग्गज थे, आप स्मार्ट थे, आपने निकाला, बट लोग कॉलेज जाके ना इजी लाइफ लेने लगते हैं, ठीक है, कॉलेज की लाइफ मस्ती खोरी सब कुछ। लेकिन मेडिकल ऐसा प्रोफेशन है कि आप कॉलेज को हल्के में नहीं ले सकते, इनफैक्ट इंजीनियरिंग को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इंजीनियरिंग ब्लंडर्स बड़े ब्लंडर्स होते हैं कि ब्रिज का ब्रिज गिर गया, लेकिन ब्रिज बनाने में कितने सारे लोगों की दिमाग लगता है। तो हो सकता है अगर एक ने पढ़ाई नहीं की है, बाकियों ने तो की है, लेकिन मेडिकल में इंडिविजुअल डॉक्टर का परफॉर्मेंस होता है। तो दैट इज वाई अगर आपने कॉलेज को हल्के में नहीं लिया है, ये प्रूफ करना है, तो पहले तो एंट्री के लिए एग्जाम दो। जब 4 साल निकल जाए ना तो उसको बोला जाएगा एग्जिट एग्जाम। आपको अगर स्टेट में रजिस्टर होना है, मध्य प्रदेश में अगर आपको डॉक्टर के लिए रजिस्टर होना है, तो आपको एग्जिट एग्जाम निकालना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम निकालना पड़ेगा। और ये 2019 में आए एनएमसी एक्ट में, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा एक एग्जाम होना चाहिए जो क्वालिटी ऑफ अपकमिंग डॉक्टर्स को फाइनलाइज करेगा, ठीक है, ठीक है। और ये कब से लागू होगा, 2023 से लागू करने की बात कही गई है। देखो मैं यहाँ पे रीड आउट करने के लिए नहीं हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रीड आउट कर रहे हैं, आए रीड आउट कर लिया, पहले इंग्लिश में पढ़ा फिर हिंदी में समझाया। मेन है
इतना सब पढ़ने का समय नहीं देना है, आपको पूरा लॉजिकल बताना है मुझे, दैट इज माय फर्स्ट थिंग। अगर मैं कुछ प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता सकूं तो दैट इज द सेकंड थिंग। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, न्यूज समझो और खत्म करो, ठीक है, बस यही है। 2023 से चालू होगा। चलो अगली न्यूज आ रही है। अगली न्यूज ये उतनी खास नहीं है क्योंकि 58 एमपी स्टेट एथलेटिक्स चैंपियन हुए थे, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। 58वां सेशन था ये, ठीक है, इतने नाम नहीं रट पाओगे, वो आपको मैं बता रहा हूं, इतने सारे नाम रटने की बजाय जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं ना मध्य प्रदेश के, बस उसके लोगों के नाम रट लो, वो बेटर है। वरना तो यार 500 से ऊपर खिलाड़ी, 500 क्या 1000 से ऊपर खिलाड़ी होंगे मध्य प्रदेश में जिन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता होगा कभी ना कभी, सबके नाम थोड़ी रटते बैठोगे। तो जो अवार्ड्स हो रहे ना वो रट लो, दैट इज द बेस्ट थिंग, और नहीं आया तो उसमें आपकी किस्मत है यार, आपकी क्या सबकी किस्मत है। इसके बाद एक न्यूज आई है, विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के फाउंडर तो थे ही, लेकिन फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं। 99.67% लोगों ने इनको एमडी और सीईओ चुना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, 5 साल के लिए सीईओ रहेंगे। पीएससी कभी कभी पूछ लेता है कि एमडी सीईओ कौन है पेटीएम के, तो आपको पता होना चाहिए विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। अगली एक इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वीआईएमपी न्यूज है ये, ठीक है। मैं पहले देखूं ये कैसा दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो एसपीजी है, जो प्राइम मिनिस्टर, अच्छा आपको पता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनके लिए एक स्पेशल पुलिस लगती है ना, आर्मी नहीं होती वो, ठीक है, वो स्पेशल फोर्सेस होती है। आप लोगों ने एक वो वीडियो देखा होगा मेजर गौरव आर्या का, बहुत फेमस वीडियोस होते हैं। तो जो गोल्डन ब्रोशर लगे होते हैं ना, जिनके यहां पे गोल्डन ब्रोशर लगे होते हैं, वो होते हैं एसपीजी से। अपने काम का न्यूज क्या है कि एसपीजी ने कर्नाटका की एक डॉग ब्रीड है मुडोल हाउंड, इसको अपनी एसपीजी में ट्रेनिंग देने की बात की गई है। ये अगर आता है कि मुडोल हाउंड क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स का सवाल है बस, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है कि मुडोल हाउंड कर्नाटका की एक डॉग ब्रीड है, इससे आगे कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है विमेन के लिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज है साइंस के लिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, कि रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च में विमेन का परसेंटेज बढ़ गया है। और ये किसने बोला है, प्रखर सर ने नहीं बोला है, ये सीएसआईआर ने बोला है, विच इज अ बॉडी फॉर रिसर्च इन साइंस। समझ रहे हो आप, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में रिसर्च के लिए बॉडी है। तो आप ये लिखोगे, अगर आपको मेंस में कहीं अपना पॉइंट प्रूफ करना है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, साइंस ग्रो कर रहा है, कि विमेन के लिए क्या क्या अच्छे स्टेप हमने लिए हैं या उन अच्छे स्टेप्स का रिजल्ट क्या है, तो आप ये पॉइंट जरूर डालना। बिकॉज आप ये चीज समझो कि आप नॉर्मल ये हुआ वो हुआ हमारी पहली प्रधानमंत्री और ये और वो, कुछ नहीं, प्रैक्टिकली आज क्या हो रहा है उसकी बात करो, सबसे सिंपल। तो सीएसआईआर ने एक रिपोर्ट दी है जिसके हिसाब से नंबर ऑफ वुमेन साइंटिस्ट आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ वुमेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स इन आरएनडी हैज राइजन फॉर मोर देन 4 times बिटवीन 2000 एंड 2017। समझ में आया, ये पॉइंट स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में लिख लो, लिख सकते हो तो, ये आएगा आपके विमेन में भी पार्टिसिपेट करेगा ये पॉइंट, आपका पेपर 3 में पार्टिसिपेट करेगा, पेपर 4 में ये पार्टिसिपेट करेगा, एथिक्स के पेपर में आप इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकते हो। देखो अगर कभी भी विमेन की बात की जाए तो आप ये नहीं गिनाओगे, ये नहीं है वो नहीं है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, गिनाओ, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम कर सकते हैं और हमने किया है। क्यों किया है, कैसे बोलोगे किया है, इन एग्जांपल्स को देके आप बोलोगे कि हमने करके दिखाया है। तो हम रेप केसेस भी रोक सकते हैं, उनके एडमिशन रेट्स भी बढ़ा सकते हैं, उनके जॉब रेट्स भी बढ़ा सकते हैं, उनका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी बात क्यों मानी जाएगी, क्योंकि आपने एक सॉलिड पॉइंट दिया है, हाँ हम कर सकते हैं इसलिए हम करेंगे, हमने करके दिखाया है तो हम आगे भी कर सकते हैं। करना चाहिए, ये करना चाहिए हमें, महिलाओं के लिए करना चाहिए,
कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात को जस्टिफाई करो एक फैक्ट से, आप अपनी बात को जस्टिफाई करो कि जो देश में हो रहा है उससे, उसके एक एग्जाम्पल से, एक सॉलिड एग्जाम्पल आपकी बात को ना एकदम दमदार बता सकता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलते रहते हैं बट द प्रॉब्लम इज आपकी बात में दम होना चाहिए। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात बताने के लिए, आपको काम की बात करने की जरूरत है अपनी बात बताने के लिए, समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट हो गया। ये पॉइंट देखना चाहो रिसर्चर, मेन न्यूज ये थी जो कि मेंस में यूज की जा सकती है कि साइंटिस्ट बगड़े बिकॉज ऑफ CSIR, ठीक है। और सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में बदली है, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम, ये छोड़ दो यार, सीवर डेथ्स के बारे में ये मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूं। एक बहुत अच्छी है, इंडिया की एक बॉलर है, इंडियन क्रिकेट टीम की एक बॉलर है, झूलन गोस्वामी। शी सेड कि जो विमेन एथलीट होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर गेम प्ले। तो इस चीज पे रिसर्च करी जानी चाहिए। एंड बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, मैं बता रहा हूं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसे खिल के निकलेगी, मेरी बात मान के रखना, आपकी पर्सनालिटी इतनी खिल के निकलेगी यार, एग्जामिनर बोलेगा वाह यार इसने रटी हुई चीजें नहीं लिखी है, कुछ काम की बात की है। तो काम की बात झूलन गोस्वामी ने करी है, उन्होंने क्या कहा है कि जो विमेन एथलीट होती है ना, आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो आप, बढ़िया बात है, आप उनको आगे ला रहे हो, मेरी कॉम, मीराबाई चानू, और भी आप ये समझिए, मतलब आप ये समझिए कितनी हमारी बीना दास हो गई, ठीक है, और कितनी विमेन प्लेयर्स है, लेकिन इनकी जो हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है इनके गेम प्ले की वजह से, उसके लिए सरकार कुछ कर सकती है क्या? और अगर कर सकती है तो ये सही में डेवलपमेंट, या ये सही बोलते हैं ना, ये सही पुश होगा कि एक विमेन को आप पुश कर रहे हो ये चीजें करने के लिए। एक स्टडी आई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम कि किसने करी थी, बट उसमें यही लिखा था कि बहुत सारी फैमिलीज अपनी बेटियों को बाहर जाने या स्पोर्ट्स खेलने से इसलिए रोकती हैं जस्ट बिकॉज उनकी जो बोलते हैं ना सेक्सुअल फिजिकल हेल्थ है वो इंपैक्ट हो जाएगी, दैट इज नंबर वन, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हिल जाएगी। एंड उनका कंसर्न भी जेन्युइन है क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। तो आप समझ रहे हो, आपको काम कहां करना है, आपको बिल्डिंग लगा देने से, देखो मैं बोल रहा हूं बिल्डिंग लगा दी उसके लिए भी हमें क्लैप करना चाहिए, एंड वी डू दैट, बट द नेक्स्ट स्टेप या एक बोलते हैं ना डेवलपमेंट की तरफ एक और स्टेप है कि हम ऐसी विमेन को जो स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है उनके लिए कुछ हाइजीन पर्सपेक्टिव से करें, हेल्थ पर्सपेक्टिव से करें, दैट इज द बेस्ट थिंग। और ये अपना लास्ट ODI खेलने जा रही है 24 सितंबर को, और उसके पहले इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बयान दिया ये वाला, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, इनका मेन कंसर्न क्या था कि हमें 6 hours लगातार खेलना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप विमेन टेस्ट मैचेस की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है ना वो विमेन की हेल्थ ही है। तो आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, अपने आंसर में ये लिखिए यार, मजा आ जाएगा। एक मैं आपको और बता रहा हूं यार, क्या तो नाम था, क्यों उसका टेनिस प्लेयर का क्या नाम है यार, मैं भूल गया। अरे दो जो बहने हैं यूएस की दो बहने हैं, नाओमी ओसाका है क्या? नाओमी ओसाका नहीं यार, सही बात है, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका या सेरेना विलियम्स में से किसी एक ने ट्वीट किया था कि ये जो कंपनीज हैं, जैसे ये प्लेयर हो गए, ये प्लेयर जैसे ही बने तो ये मार्केटिंग एड्स में आ जाते हैं और आपको प्रमोशन करना पड़ता है चीजों का, और वो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग होता है ना। और उसने बोला था कि मैं डिप्रेस हो रही हूं उन चीजों की वजह से, और यूएस की सरकार या जापान यार कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, पिछले साल की ये न्यूज है, एंड सरकार ने एक्शन लिया, उन्होंने बोला कि उन्होंने ये चीज लागू करी कि स्पोर्ट्स प्लेयर को आप पुश नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, अगर आप हमारे साथ किसी डील में आप हमारा प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हो तो आपको ये बोलना है। ये चीज उस समय हो रही थी इन लेडीज के साथ, सो दैट इज व्हाई शी वाज वेरी डिप्रेस्ड, और इसके लिए सरकार ने काम किया। मुझे लगा ये होते हैं काम यार, ये होते हैं मजेदार काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है, हाँ एक और चीज आई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट रिसेंटली सेड ओवर 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन बट ओनली 12% ऑफ देम ऑप्ट फॉर लीगल एड। व्हाई? आपने लीगल एड दे दी, वेरी गुड, वी क्लैप फॉर यू, बट वो लीगल एड कैसे यूज करनी है वो नहीं सिखा रहे हम। एजुकेशन का यूज यही है कि
पुअर पीपल को या बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। आपने अधिकार दे दिए, मतलब एक ऐड आया था स्टैंड अप कॉमेडी में, बहुत सही बोला था, बच्चों के जो अधिकार है वो बच्चों को ही नहीं पता है, बच्चे पिटते जा रहे हैं। तो वही बात है कि आप इनके जो अधिकार है ना बीपीएल लोगों के, ये देखो बीपीएल है, पैसे ना होने की वजह से एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती, एजुकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं होता, कॉन्फिडेंस प्रॉपर होने ना होने की वजह से इनका सोशलाइजिंग फैक्टर बहुत लो होता है, और सोशलाइजिंग फैक्टर बहुत लो होगा तो आपकी अवेयरनेस बहुत लो होगी। हम बोलते हैं ना, हम इंसान ना एक जानवर है जो अपने आसपास की चीजों से सीखता है, ये इनके आसपास के लोग वही हैं जो पहले थे ना, उनके आसपास के लोगों ने कभी सीखा ना आपने सीखा, आप कुएं के मेढक बन के रह जाते हो क्योंकि आप बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये है मेन चीज, ये बता रहा हूं मैं, समझ लो काम की चीज है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये भी एक मेंस में आप लिख सकते हो, अगर आपको कभी सोशल जस्टिस के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हो, पर मतलब स्पेशल सेक्शन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, जुडिशरी में तो कहीं भी चिपका सकते हो ये क्वेश्चन कि जजेस की क्वांटिटी कम है इंडिया में, और जो जजेस ने, जो हमारा संविधान जो शक्तियां देता है बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर बोलते हैं ना वल्नरेबल सेक्शन को, उनको वो चीजें मिल नहीं पा रही है क्योंकि एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, दो पॉइंट कहीं भी चिपका सकते हो, ठीक है। चलो एक, हाँ तो अब एक सिस्टम आया है LADCS, ठीक है। ये क्या है, एक पब्लिक डिफेंडर सिस्टम है, इसमें हर समय लॉयर्स रहेंगे, इसमें हर समय लॉयर रहेंगे, और ये 365 डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, और ये काम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का है कि वो अपने लोगों को बताएं कि ऐसी कोई चीज उनके यहां आई है। मतलब इन्होंने क्या किया है, एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे लेके गए, मैं तो बोलूंगा और पंचायत लेवल पे लेके जाते तो और बेटर रहता, क्योंकि गांव का एक अगर सरपंच है उसकी बात सब सुनेंगे, और गांव मतलब हर सरपंच को पता है वो अपने अपने गांव में बहुत इजीली फैलवा देगा, लेकिन अगर हर कलेक्टर को पता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैलवा सकता, समझ रहे हो, क्योंकि सरपंच के पर्सनल रिलेशन होते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्यों सरपंच जो है वो चीजें फैलाने के लिए बेटर है। पहली बात, उसके पास ऑडियंस कम होती है, दूसरी बात ऑडियंस उससे पर्सनली कनेक्टेड रहती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है मेयर, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है कलेक्टर, जुडिशरी अथॉरिटी भी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट जज होती है, बट ये तीनों लोग पर्सनल लेवल पे अटैच नहीं है किसी पर्सन से। सो दैट इज वाई ये चीज होना बहुत अनिवार्य है, इसको और आप नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है VIMP। रोहिंग्या पे हमारा क्या लेना देना है, रोहिंग्या कौन है समझो, म्यांमार है, MYNMMAR, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। यहां पे कुछ इंडियंस ने जाके शादियां करी, ठीक है, कुछ ने जाके रिलीजन चेंज किए, और यहां पे एक पॉपुलेशन को जन्म दिया जिसका नाम था रोहिंग्या, और ये मेजरली मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब 2012 में क्या हुआ, म्यांमार के जो लोकल लोग थे उन्होंने रोहिंग्यास पे अटैक करना चालू कर दिया, अटैक की वजह से ये बांग्लादेश आए, म्यांमार के जस्ट बाजू में बांग्लादेश है फिर इंडिया है, तो ये बांग्लादेश आए, कुछ दिल्ली आए और कुछ सऊदी अरेबिया चले गए, ठीक है। अब ये जो म्यांमार है ये इनको अपना सिटीजन नहीं मानता, क्यों मानेगा भाई, बाहर के लोग आए, उन्होंने मतलब दो बाहर की ब्रीड्स आई, उन्होंने एक नई ब्रीड को जन्म दिया, वो म्यांमार में पैदा हुई तो क्या म्यांमार की सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी, ऐसा म्यांमार का कहना है। तो इसीलिए म्यांमार उनको रेसिडेंट फॉरेनर्स या एसोसिएट सिटीजन के दर्जे पे देते हैं, सिटीजन नहीं है, ठीक है ना। ये इंडिया एक्सेप्ट करना चाहता है कि ये हमारे हैं, तो ये लोग जाए तो जाए, कहां करें तो करें क्या, लेकिन हमने एक ह्यूमन राइट्स का परिचय देके क्या किया है, बांग्लादेश के पास एक आइलैंड है बादशार चार आइलैंड, यहां पे हमने अकोमोडेशन बनवाया है ताकि ये रोहिंग्याज यहां पे रह सके, उसी के साथ साथ हमने क्या किया है, इनको फ्लैट्स में शिफ्ट करने की बात की है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें बेसिक एम्यूनिटी और पुलिस प्रोटेक्शन है। तो ये एक बहुत बहुत ही बढ़िया ह्यूमन काइंडनेस का एग्जाम्पल इंडिया ने दिया, और इंडिया के लिए मतलब इन चीजों की वजह से इंडिया के रिलेशंस ना बाकी देशों से बहुत अच्छे होंगे, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज हम्बलनेस और काइंडनेस पे बहुत बिलीव करती हैं। अगर हमने इन कंट्रीज इन लोगों को सहारा दिया है तो दे विल अप्रिशिएट अस, और इंडिया बोलता है इंडिया रिस्पेक्ट्स,
यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951, जिसके तहत हमें रेफ्यूज, अगर कोई रेफ्यूजी हमारी धरती पे आ रहा है तो हमें उसको दो वक्त की रोटी देना और शेल्टर देना जरूरी है। हम उन्हें सिटीजन नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम उनको दो वक्त का खाना जरूर देंगे, यही भारतीय सभ्यता है, ठीक है, याद रखना। और कभी कोई मुंह चलाए ना भारतीय सभ्यता पे तो ये एग्जाम्पल देना। और इन्होंने तो रहते हुए लोगों को निकाला है यार, और बाकी कितने देश हैं जिनमें लोग आते हैं शरणार्थी और उनको भगा दिया जाता है। आपको पता है मैं यूरोप की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि अभी यूक्रेन में भी वॉर हुई, तो यूक्रेन के जो लोग हैं ना वो यूरोपियन कंट्रीज में गए और उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया वहां पे, ठीक है। यूरोंगिया, हाँ ये बंगाली बोलते हैं, रोहिंग्या ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2012 में कांड होना शुरू हुआ था, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। मेजरली मैंने चीजें बता दी हैं। इसके बाद अब क्या होता है, अगर कोई रोहिंग्या पकड़ा जाता है तो, अगर कोई रोहिंग्या इलीगली रह रहा है, अगर कोई रोहिंग्या इलीगली रह रहा है तो उसको पासपोर्ट एक्ट और फॉरनर एक्ट के तहत वापस भेज दिया जाता है, ठीक है, वापस भेज दिया जाता है। अब वापस कहां भेजोगे, उनकी तो कोई कंट्री नहीं है। कोई मान लो कोई घुसबैठी हमारे यहाँ पाकिस्तान से, हम वापस पाकिस्तान भेज देंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का सिटीजन था। कोई चाइना से, हम चाइना भेज देंगे, लेकिन इनको कहाँ भेजोगे, इनका तो कोई देश ही नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लेना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे और भी वीडियो जरूर देखिए, जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा हमारे यहाँ, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। पढ़ लेना यार ये सब, ठीक है। अब बात यही है कि हम चाइना से लड़ रहे हैं, तो 2019 में क्या हुआ था, पैंगोंग सो लेक, ये पैंगोंग सो लेक है, तो यहां चाइना की आर्मी आ गई थी, यहां हमारी आर्मी आ गई थी, लड़ लिए। जबकि ये डिसाइड हुआ है, एक एक्ट याद रखना, इंडिया एंड चाइना हैव अग्रीमेंट्स गोइंग बैक टू 1990s विच प्रोहिबिट्स ब्रिंगिंग ट्रूप्स टू द बॉर्डर एरियाज। इतनी बड़ी बात कही है हमने कि बॉर्डर एरिया पे हमारी लड़ाइयां नहीं होंगी, हमारे ट्रूप्स नहीं आएंगे, समझ में आया। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और ये क्यों हुई है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स बाहर गए हैं, कहां गए हैं, साउथ अमेरिका गए हैं। तो ये भी याद रखना, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साउथ अमेरिका गए हैं, वहां पे जाके ये बातें हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहां जाएंगे या फॉरेन मिनिस्टर कहां जाएंगे, पहले ब्राजील, फिर प्राग और अर्जेंटीना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं आता। मेन चीज यही है, मेन चीज इसी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, हमने 377 लॉ जो है वो रिपील किया, जो अलाउ करता है सेम सेक्स मैरिज, राइट रॉन्ग, ठीक है। आप लोगों में से जितनों को लगता है ना कि गे सेक्स और लेस्बियन सेक्स और मैरिज अलाउड है, दे आर रॉन्ग। दे इट्स बोलते हैं ना कि दे कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप अमंग्स ईच अदर, बट दे कैन नॉट हैव मैरिज बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज सच मैरिज। ये बड़ा इशू है। आपको लगता है आप झंडा लगा लोगे अपनी डीपी में और ये हो जाएगा और उनको इंसाफ मिल जाएगा, आप ये तो देखो कि क्या हो रहा है। अगर आप सच में इंसाफ देना चाहते हो, आपका पर्सनल ओपिनियन है, तो ये चीजें हैं जिनको डील करना है, और ये चीजें हैं जिनके बारे में क्लियरिटी चाहिए। सिंगापुर ने भी यही कहा कि हम क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं, अब गे सेक्स क्रिमिनलाइज नहीं है वहां, लेकिन दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग अ मैरिज बिटवीन अ गे कपल और अ लेस्बियन कपल और एनी LGBTQ+ कम्युनिटी। दे Only recognize uphold marriages between a man and a woman. ये है, और उनका सेक्शन है 377 है, और आपको याद रखना होगा ये 377 बाकी देशों में, ब्रिटिश में भी इसको 377 है, हमारे यहां भी 377 है। ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक का, फालतू टॉपिक है ये। आप कर सकते हो, ये मेंस के लिए है, लेकिन उतना तगड़ा भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है, इतना ज्यादा आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं, तो वी विल स्टॉप हियर। आप पढ़ लीजिएगा, कोई न्यूज इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं कल के लेक्चर में ले लूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड आई होप द क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी हाई। आपको काफी क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। अभी तक हमारे लेक्चर नहीं हो पा रहे थे, बट अब हमारे लेक्चर दोबारा स्टार्ट हुए हैं। हर दिन आपको ये लेक्चर मिलेगा, संडे को छोड़ के, इसका मैं आश्वासन देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड भी लग गया है, चीजें भी थोड़ी स्टेबल हो गई हैं। लाइट नहीं रही तो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि भोपाल में जैसे पिछले 24 घंटे में लाइट नहीं थी, बहुत बार गई, बहुत बार आई, इनफैक्ट 12-15-16 घंटे के लिए तो लगातार ही लाइट
लाइट नहीं थी, ठीक है, बारिश हो रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लेक्चर नहीं मिलेगा, बट बाकी हर सिचुएशन में करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको मिलेगा। तारिन सर आपको आयोग के सेशंस करा रहे हैं, बाकी भी हम वीडियोस डाल रहे हैं जो फुल कोर्स से एसोसिएटेड है। अगर आप फुल कोर्स रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी क्लियरिटी से मैंने ये समझाया उतनी क्लियरिटी से आपको हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक समझाया जाएगा। बुक्स हमारी तरफ से मिलेगी, टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से मिलेगी, और इसको डिजाइन करने में संपदा सराफ मैम MPPSC रैंक 1 उनने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। वी आर रियली थैंकफुल टू हर एंड थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।